इस देवी किचन ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है आज मैं मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूँ वो भी आपको कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी बहुत ही आसानी से बन जाती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम मार्बल केक बनाना स्टार्ट करते हैं मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अढ़ाई ग्राम मैदा लिया है सौ ग्राम दही और डेढ़ ग्राम मैंने पीसी चीनी ली है अढ़ाई ग्राम दूध लिया है और बेकिंग पाउडर है कोको पाउडर वेला एसेंस एक कप रिफ़ाइंड ऑयल और यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है आधा चम्मच तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिफ़ाइंड ऑयल डाल लेंगे केक का बैटर बनाने के लिए अब हम इसमें दही डाल लेते हैं पिसी हुई चीनी सिर्फ आप रिफाइंड ऑयल से ही बना सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब इसमें घी डाला है जिससे कि टेस्ट और भी अच्छा आएगा तो चलिए अब हम बिक्स की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लेते हैं आप चम्मच से भी इसे फेंट सकते हैं जितने अच्छे से हम इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक बनेगा तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे तो अभी मैंने आधा इसमें मैदा डाला है इसे हम अब मिलाएंगे अच्छे से जिससे कि इसमें एक भी लम्स नहीं रहेंगे देखिए हमें अच्छे से इसे फेंटना है तो देखिए अभी ये थिक हो गया है तब हम इसमें दूध डालेंगे ये मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है दूध को और अच्छे से अब हम मिला लेते हैं इसे तो देखिए ये मैंने मिला लिया है अब जो बाकी मैदा है इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इसे भी अब हम अच्छे से इसमें फेंट लेंगे तो देखिए फिर से ये थिक हो गया है दूध को अब हम इसमें डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है और हमें इसे मिलाना है अच्छे से जितना दूध लगेगा उतनी ही हम इसमें क्वांटिटी दूध की यूज़ करेंगे तो देखिए बेटर जो है परफेक्ट बन गया है तो चलिए अब हम बेकिंग सोडा इसमें डाल लेते हैं और बेकिंग पाउडर डालेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए एक चम्मच ले लिया है इसे अब हम इसमें डाल लेते हैं छः से सात बूंद के करीब हमें इसमें वेनीला एसेंस डालना है तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है तो देखिए बैटर जो है हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है हम मार्बल केक बना रहे हैं इसलिए इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है इसमें मैंने आधा बैटर इसमें निकाल लिया है और आधा मैंने इसी में छोड़ दिया है तो चलिए अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच के करीब इसमें कोको पाउडर डाला है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे कोको पाउडर डालने से इसका मीठापन जो है कम हो जाता है तो इसमें मैं चीनी डालूँगी एक चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाला है थोड़ा सा इसमें अब हम दूध डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे तो आप मीठा अपने पसंद से कर सकते हैं कम या ज़्यादा तो देखिए बैटर बन के तैयार है बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है तो यहाँ पे मैंने केक बनाने के लिए केक टीन ले लिया है आप भगोने में भी केक बना सकते हैं पहले से ही मैंने बटर पेपर कट कर लिया है चलिए अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं चारों तरफ अच्छे से तो देखिए यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल अच्छे से लगा लिया है अब हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे यदि आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से किनारे में भी मैं बटर पेपर अच्छे से लगा लेती हूँ फिर से अब हम इसमें रिफ़ाइंड ऑयल लगाएंगे तो मैंने ऑयल लगा लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे तो यहाँ पर मैंने बैटर थोड़ा सा डाल लिया है एक चम्मच के करीब इसे हम चम्मच से इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे जिसमें हमने कोको पाउडर मिलाया था वाला बैटर डालेंगे ऐसे भी थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे हमें कुछ नहीं करना है बस इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर हमें इस तरह से करके डालना है तो फिर से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है और इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएंगे देखिए ये अपने आप ही फैलते जाता है बहुत ही आसानी से मार्बल केक है जो बन जाता है देखिए यहाँ पर मैंने पूरा बैटर डाल लिया है कढ़ाई को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था देखिए प्री हीट हो गया है इसमें मैंने एक रिंग रखा है यदि आपके पास नहीं हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं तो चलिए अब हम केक के बैटर को बेक होने के लिए रख देते हैं इसे हम ढक के पकने देते हैं इसे मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ ध्यान रखिएगा कि इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है नहीं तो हमारा केक जो है नीचे से जल जाएगा चलिए चेक कर लेते हैं बीच में एक बार कि केक हमारा पका है कि नहीं अभी 20 से 25 मिनट हुए हैं तो चलिए चाकू से इस तरह से हम चेक कर लेते हैं बैटर जो है अभी गीला है देख सकते हैं आप तो केक हमारा अभी नहीं पका है इसे ढक के पकने देते हैं 20 से 25 मिनट और लगेंगे इसे पकने में 20 से 25 मिनट हो गए हैं तो चलिए फिर से हम चेक कर लेते हैं तो चाकू से हम इस तरह से चेक कर लेते हैं देखिए बैटर जो है हमारा नहीं लग रहा है यानी कि केक हमारा अच्छे से पक गया है एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ केक हमारा परफेक्ट बन गया है चलिए हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे तो यहाँ पर केक को टोटल बनने में 40 से 50 मिनट लग गए हैं तो यहाँ परफेक्ट केक बन गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे तो ये केक अच्छे से ठंडा हो गया है तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं जिससे कि केक हमारा आसानी से निकल जाएगा तो चलिए अब हम इसमें प्लेट रख के इसे टर्न कर लेते हैं तो देखिए केक जो है बहुत ही आसानी से निकल गया है देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है केक इसे अब हम बटर पेपर को है निकाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है बटर पेपर निकल जाता है यहाँ पे मैंने बटर पेपर निकाल लिया है अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और प्लफी बना है केक देख सकते हैं आप तो देखिए दिल वाला मार्बल केक बन के तैयार हो गया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कट करके तो चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ तो देखिए ये अंदर से और भी सुंदर दिखेगा देखिए कितना सुंदर मार्बल केक हमारा बन के आया है देख सकते हैं आप बहुत ही स्पंजी बना है आपको मैं प्रेस करके दिखा देती हूँ देखिए आप कितना स्पंजी केक ये बना है यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें तो देखिए यहाँ पे मैंने केक के पीसेस बना लिए हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ धन्यवाद